तो ये देखो गाइस फाइनली अपने गेम में कार शोरूम वापस लौट के आ चुका है, वो भी एक नए लुक में। और लिटरली में गाइस ये वाला कार शोरूम पिछले वाले कार शोरूम से काफी ज्यादा एडवांस और काफी लग्जरी है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इस वाले कार शोरूम में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं रखी, इसमें बाइक भी ऐड हो चुकी है। तो इसी वजह से ये वाला कार शोरूम कोई नॉर्मल कार शोरूम नहीं है, क्योंकि ये है लग्जरी कार शोरूम। तो चलो वीडियो को शुरू करते, लेट्स गो। तो आ गए फिर से। तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और मितवस्त्र वीडियो लेके आ चुके हैं, मित नंबर 1। और वो क्या है गाइस, दो तीन दिन से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और आप लोग अभी भी सुन सकते हो कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो इसलिए मैं वीडियो को डेली अपलोड करूंगा, वो भी 11 बजे, तो आप लोग रेडी रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, स्विमिंग पूल के अंदर रैंप को स्पॉन करो, फिर देखना आपका टकला बिना बाइक के भी स्विमिंग ग्लिच कर पाएगा। प्लीज टेक माय मिथ। ओके, तो बिना बाइक के स्विमिंग ग्लिच करना है, चलो देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना बाइक और बिना कार के तो हम लोग स्विमिंग ग्लिच कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए मुझे अपने स्विमिंग पूल में रैंप को स्पॉन करना है, और रैंप को स्पॉन करने का तरीका तो सबको पता है, तो उसके लिए आपको आज जस्ट टूल में डालना है R1। और जैसे ही आप R1 डाल के एंटर करोगे आपके सामने रैंप स्पॉन हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुको, रैंप तो काफी दूर स्पॉन हो गया, मुझे मोड ऑन करके रैंप को स्विमिंग पूल के अंदर लाना पड़ेगा। तो चलो मोड ऑन भी लग चुका है, मुझे जल्दी से चलना है रैंप के पास, उसके बाद रैंप को पकड़ के सीधा स्विमिंग पूल के अंदर लाना, फिर देखते हैं कि ये वाला ग्लिच वर्क करता है कि नहीं करता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला मिथ बस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्विमिंग ग्लिच करने के लिए बाइक या कार तो कंपलसरी है, लेकिन बिना बाइक के और कार के स्विमिंग ग्लिच होगा कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मुझे पता है आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि गेमर भैया आ चुके हैं और वो आपको तुरंत समझा देंगे। तो चलो जल्दी से, मैंने रैंप को तो पानी के अंदर स्पॉन कर लिया, अब जल्दी से मुझे तैरते हुए रैंप के ऊपर चढ़ना है। फिर ये टकला बिना बाइक के स्विमिंग ग्लिच करेगा, तो चलो जल्दी से तैरते हुए रैंप के ऊपर चढ़ते हैं। और ये देखो गाइस, हमारा टकला सचमुच में रैंप के ऊपर तैर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिना बाइक के ये स्विमिंग कैसे कर पा रहा है, वो भी स्विमिंग पूल के बाहर। लिटरली में गाइस ये टकला स्विमिंग पूल के बाहर भी तैर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो सचमुच में इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने तो सोचा था स्विमिंग ग्लिच सिर्फ बाइक की हेल्प से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे टकले ने बिना बाइक के स्विमिंग ग्लिच को सक्सेसफुली कर लिया। गाइस यार ये वाला मिथ तो सचमुच में काफी अमेजिंग है, तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 2, RGS टूल में एक हाउस नहीं है वो टॉयलेट है। प्लीज टेक माय मिथ। RGS टूल में हाउस नहीं है टॉयलेट है, भाई ये वाला मिथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ हाउस से रिलेटेड है। तो चलो जल्दी से एक एक करके सारे हाउस को स्पॉन करते हैं। तो ये डाला मैंने H1 और H1 से ये वाला हाउस आ चुका है, लेकिन ये मुझे टॉयलेट तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये क्लियरली हाउस है। फिर मैंने डाला H2 और H2 से हाउस स्पॉन हो गया, ये टॉयलेट कहां पर है यार। ऐसे तो यार काफी देर हो जाएगी, क्योंकि एक एक करके मुझे टोटल 10 हाउस को स्पॉन करना पड़ेगा, तब के पता चलेगा कि कौन सा हाउस टॉयलेट है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, ये वाला मिथ तो सचमुच में काफी बड़ा और काफी कंफ्यूजिंग है। चलो एक एक करके सारे हाउस को स्पॉन करते, फिर देखते हैं कि कौन से हाउस के बेस में टॉयलेट है, चलो पता लगाते। देन फिर मैंने डाला H5 और ये देखो H5 से भी हाउस स्पॉन हो गया। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पीछे कोई हाउस छोड़ दिया। अरे हाँ यार, मैंने H4 वाला हाउस छोड़ दिया यार, चलो उसको स्पॉन करते पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने डाला H4 और ये देखो गाइस H4 से भी हाउस ही स्पॉन हुआ। लेकिन एक सेकंड रुको, वहां पर वो प्लेट कैसी है? मेरे कहने का मतलब है कि वो नंबर प्लेट है कि साइन बोर्ड है, मुझे कुछ यहाँ से क्लियरली दिख नहीं रहा। चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। और वेट गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो मेल और फीमेल की फोटो लगी और उसके नीचे टॉयलेट, ये क्या लिखा है भाई, टॉयलेट की स्पेलिंग तो यहाँ पर गलत लिखी है। लेकिन गाइस आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला हाउस हाउस नहीं है, तो टॉयलेट है टॉयलेट। भैंस की यहाँ कितना बड़ा धोखा, वो भी गेमर भैया के साथ। ये देखो गाइस, ये तो हाउस के बेस में सुलभ शौचालय है। अब आप लोग पूछोगे सुलभ शौचालय क्या होता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने वो पब्लिक टॉयलेट तो सुना ही होगा ना, जहाँ पर अपन लोग पैसे देके बाथरूम या टॉयलेट को यूज कर सकते हैं, उसी को हिंदी में सुलभ शौचालय कहते हैं। और ये H4 वाला हाउस भी वही पब्लिक टॉयलेट है। लेकिन यार मुझे तो हंसी आ रही है कि यहाँ पर टॉयलेट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो क्यों ना एक टेस्ट हो जाए, देखते हैं किस किस को इंग्लिश आती है। तो जल्दी से टॉयलेट की सही स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। और जिसने भी टॉयलेट की सही स्पेलिंग टाइप की उससे मिलेगा शाउट आउट। अरे यार ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन गाइस यार उसे छोड़ो, यहाँ पर H4 वाला हाउस हाउस नहीं है, वो सचमुच में एक पब्लिक टॉयलेट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म।
मिथ नंबर 3, आज ही स्टूल में कार शोरूम डालो फिर देखना अपने गेम में कार शोरूम वापस आ जाएगा। प्लीज टेक माय मिथ। देखो भाई बात ऐसी, अपने गेम में कार शोरूम तो वापस आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इस वाले अपडेट के बाद कार शोरूम की जगह पे कंस्ट्रक्शन एरिया को ऐड कर दिया है, तो अब कोई भी चांस नहीं है कि कार शोरूम वापस आ जाए। लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने गेम में कार शोरूम जल्दी वापस आने वाला है, मगर इस वाली लोकेशन पर नहीं आएगा, किसी दूसरी लोकेशन पर रोहित भाई कार शोरूम को वापस ऐड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लोगों को भी अपने गेम में कार शोरूम वापस चाहिए तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कार शोरूम टाइप कर दो, जिससे अपने गेम में जल्दी से जल्दी कार शोरूम ऐड हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक अपने गेम में कार शोरूम नहीं आता, तब तक मैंने आपके लिए एक टेम्पररी कार शोरूम बना दिया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो उस न्यू कार शोरूम को मैंने रैंप वाले एरिया में बनाया, तो चलो मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। तो वो देखो गाइस, सामने की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा अपना न्यू कार शोरूम जो गेमर भैया ने आपके लिए बनाया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कार शोरूम थोड़ा थोड़ा सा खाली लग रहा है, इसमें गाड़ियां तो है नहीं, तो गाड़ी को स्पॉन करने के लिए आपको आज ही स्टूल में डालना है कार बाय। और जैसे ही आप कार बाय डाल के एंटर करोगे, आपका शोरूम पूरी तरीके से भर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये देखो गाइस, फाइनली अपना न्यू कार शोरूम बन के रेडी हो चुका है, जिसमें लिटरली में काफी सारी लग्जरी कार है। ये वाला शोरूम पुराने वाले शोरूम से काफी बेहतर है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इस वाले शोरूम में काफी सारे बड़े बड़े पेड़ के साथ साथ छोटे छोटे प्लांट भी लगाए मैंने, जो आपको पूरी सिटी में कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, वैसे छोटे प्लांट मैंने इस वाले कार शोरूम में लगाए हैं। और इस वाले कार शोरूम में सिर्फ गाड़ियां नहीं है, इसमें बाइक भी है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये वाला कार शोरूम पुराने वाले कार शोरूम से काफी बेहतर और काफी लग्जरी भी है, क्योंकि पुराने वाले शोरूम में सिर्फ 4 या 5 गाड़ी होती थी, लेकिन इस वाले शोरूम में काफी सारी लग्जरी कार है और उसके साथ काफी सारी महंगी महंगी बाइक भी है। लेकिन गाड़ी और बाइक की वजह से ये वाला कार शोरूम लग्जरी कार शोरूम नहीं है, उसकी वजह कुछ और है, और वो वजह इस कार शोरूम का प्यारा सा लुक, जो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस वाले कार शोरूम में बड़े वाले पेड़ों के साथ छोटे वाले पौधे भी लगे, नीचे की तरफ एक रेड कारपेट भी बिछा और साथ में लैंप भी लगे हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये वाला कार शोरूम बन चुका है लग्जरी कार शोरूम। तो जब तक अपने गेम में ऑफिशियली कार शोरूम नहीं आ जाता है, तो मैं तो इसी वाले कार शोरूम को यूज करूंगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कौन सा कार शोरूम पसंद आया, ठीक है। लेकिन अभी तो अपने गेम में कोई भी ऑफिशियल कार शोरूम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला मिथ हो चुका है बस्ट। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।